ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बारिश के पानी से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं नदियां उफान पा रही हैं। वहीं फरुखाबाद में रामगंगा की तेज धार से अलातपुर भटौली में कटान ने रफ्तार पकड़ ली, इससे गांव के लोग खौफ में हैं। वहीं गांव हरसिंहपुर कैस्त के रास्ते में पानी भरा होने से ग्रामीणों ने खुद नाव व्यवस्था की है, लेकिन प्रशासन उनकी सुध तक लेने को तैयार नहीं। बढ़ते जलस्तर से एक दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं कोरोना के चलते बाढ़ पीड़ित गांवों में अब बीमारियां भी फैलने लगी हैं। ये पूरा सिवान कट गया, जहां गन्ना धान सब कट गया, यहाँ कुछ बाकी नहीं रह गया है। हम लोग ये कहाँ चले जाएं, हमें सबका रहना यहाँ दुश्वार है। बिल्कुल घर साहब करीब में है, एक 10 कसी के आगे है। हम लोग रहे हैं ढोरी तो पूरा गांव कट जाने वाला है। इतना इतना रोकथाम करते हैं लेकिन फिर भी कटता है। समस्या ये है साहब कि यह कई कोनो संभावना ना है कि काल हत्ती टाइम भर रुक जाए। यहाँ बहुत दूर रहा और उतनी जून से अति जून भर हम सब सप्लाई होगा तो ये देख के जाओ जाए कहा था कि अतनी दूर है न के लिए कई कोनो भरोसा ना आई है। खेतों पास मेरे सबके कहूँ सुई से खोदे मेरे का की लड़किन के जीवन है तो घर ही भर है तो घर तो कोनो मेहरमान लोग के बचाव नहीं कस के जिया जाए। इतना 10-10 परिवार या 12-12 परिवार हम 15-15 कहाँ जावा जाए। तो इसको डेली बेसिस पर मॉनिटर किया जा रहा है, लेखपाल से रिपोर्ट लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त SDM फील्ड में बराबर घूम रहे हैं, SDM तहसीलदार नायब तहसीलदार, जहाँ जहाँ से ये कटान की सूचना मिल रही है वहाँ संबंधित बाढ़ खंड वाले को बताया जा रहा है, जिनके द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उसकी पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है, रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मॉनिटर भी किया जा रहा है, अलॉन्ग विद जियो टैग फोटोग्राफ्स। जैसे अभी अगर आज की बात करेंगे तो अभी परसौना, कल्याणपुर, ये सब जगह काम चल रहा है। तो मतलब सिर्फ आज के दिन में जो हमारे पास रिपोर्ट है 7 अलग अलग जगह कटान हो रहा है जहाँ इनके द्वारा काम कराया जा रहा है। तो जैसे जैसा जहाँ उनकी शिकायतें निकल के आ रही हैं वहाँ पे काम कराया जा रहा है, और ये हमेशा प्रयास कर किया जा रहा है कि किसी तरह कटान आबादी क्षेत्र में ना जाए और आबादी क्षेत्र इस कारण से पानी न।